अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कलेजी मेरे तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ये कलेजी ले ली हूँ। ये 500 ग्राम कलेजी है। मैं इसको अच्छे से साफ़ करके धो करके ले ली हूँ। तो इसमें हमें मसाले क्या लगेंगे, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ खड़े मसाले ले ली हूँ। तो खड़े मसाले में है 1 चम्मच शाहजीरा, 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिरी, 4 से 5 लौंग और ये 1 तेज़पत्ता है, इसको 2 टुकड़ा करके ले ली हूँ। यहाँ पर मैं ले ली हूँ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैं ले ली हूँ ये 4 चम्मच भर के दही और ये 2 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको बारीक में काट करके ले ली हूँ। और ये 5 से 6 हरी मिर्ची है, देखिए इस तरीके से मैं इसको भी काट ली हूँ। और इसी के साथ हमें लगेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 चम्मच डालूँगी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं प्रेशर कुकर रख दी हूँ, इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच भर के तेल। तो ये देखिए, तेल में डाल दी हूँ, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। चलिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं ये खड़े मसाले डाल देती हूँ। तो अब मैं डाल दूंगी ये प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेंगे। प्याज देखिए अच्छे से गोल्डन हो गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ कलेजी। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और अदरक लहसुन को भी भून लेंगे साथ में। तो ये देखिए, अदरक लहसुन को मैं अच्छे से भून ली हूँ, अच्छे से भुना गया है अदरक लहसुन। तो इसमें मैं डाल दूंगी पाउडर मसाले। धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और ये हल्दी, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, पहले मैं इसको भूनती हूँ थोड़ी देर। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं।
थोड़ी देर मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। चलिए मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाले अच्छे से भुना गए हैं तो इसमें मैं डाल देती हूँ दही। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और दही के पकने तक अच्छे से पका लेंगे हम। चलिए दही को भी अच्छे से पका लेते हैं तो मैं इसको ढक देती हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दही भी अच्छे से पक गया है, तेल सारा ऊपर आ गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और इसी के साथ डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर मैं पहले नहीं डाली थी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसी के साथ डाल दूंगी ये हरी मिर्ची। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए मैं पानी इसमें डाल दी हूँ। तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा करके कलेजी के गलने तक पका लूँगी। मैं थोड़ा सा इस पर डाल देती हूँ हरा धनिया और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देखिए कुकर का ढक्कन मैं लगा दी हूँ और कलेजी के गलने तक पका लेंगे। तो चलिए जब हो जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं कलेजी हमारा गला है या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से गल गया है कलेजी। इस पे मैं डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए मैं आप लोगों को निकाल करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कलेजी बनकर के तैयार हो गया। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर बनाना एक बार इस तरीके से और बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।